नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं विश्व इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि मध्यकाल में यूरोप के पुनर्जागरण का विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा, चर्चा कीजिए। तो इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि यूरोप में जो पुनर्जागरण मध्यकाल में हुआ था तो उसका 7 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर, देखिए 14 महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। तो इन 14 महत्वपूर्ण प्रभाव को देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि सामाजिक क्षेत्र पर प्रभाव, तो यूरोप के पुनर्जागरण का सामाजिक क्षेत्र पर 4 मुख्य प्रभाव पड़ा था। पहला कि लोगों में, पुनर्जागरण के कारण लोगों में तार्किकता, बौद्धिकता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है। दूसरा प्रभाव यह पड़ा कि व्यक्तिगत योग्यता एवं पुरुषार्थ पर बल दिया जाने लगा। तीसरा प्रभाव कि परलोक के बजाय अर्थात स्वर्ग नरक की कल्पना के बजाय इहलोक अर्थात पृथ्वी पर मानव जीवन को महत्वपूर्ण माना जाने लगा, और इस कारण से लोगों में भौतिकतावादी दृष्टिकोण का विकास हुआ। चौथा प्रभाव कि मध्यवर्ग का विकास हुआ। पुनर्जागरण के कारण यूरोप में मध्यवर्ग का विकास हुआ, क्योंकि पुनर्जागरण के कारण यूरोप में व्यापार एवं वाणिज्य का विकास हुआ, तो इस कारण से मध्यवर्ग का भी विकास हुआ, क्योंकि इसने व्यापार वाणिज्य से पैसा कमाया। तो जब मध्यवर्ग का विकास हुआ तो इसने अभिजात वर्ग के विशेषाधिकारों पर प्रश्न चिन्ह उठाया, प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। अब देखते हैं कि धार्मिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। तो धार्मिक क्षेत्र पर 2 महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। पहला कि देखिए धार्मिक अंधविश्वास एवं धार्मिक रूढ़ियाँ कमजोर पड़ गई, क्योंकि लोगों में देखिए तार्किकता, बौद्धिकता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, इसलिए धार्मिक अंधविश्वास एवं धार्मिक रूढ़ियाँ कमजोर पड़ी। धार्मिक क्षेत्र पर दूसरा प्रभाव कि चर्च एवं पादरी के विशेषाधिकारों पर प्रश्न उठाया गया, तथा आगे चलकर मार्टिन लूथर के धर्म सुधार आंदोलन की नींव इसी पुनर्जागरण के कारण ही पड़ी। अब देखते हैं विज्ञान के क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। तो विज्ञान के क्षेत्र पर प्रभाव देखते हैं, तो देखिए यूरोप में मध्य युग में चर्च विज्ञान की प्रगति में बड़ा बाधक था। तो पुनर्जागरण के कारण जब लोगों में तार्किकता, बौद्धिकता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ तो विज्ञान की प्रगति भी संभव हुई। और इसी क्रम में कॉपरनिकस ने यह कहा कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, और जान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। तो ये विज्ञान के क्षेत्र पर प्रभाव हो गया। आप देखते हैं राजनीतिक क्षेत्र पर प्रभाव, तो राजनीतिक क्षेत्र पर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। नंबर 1 कि देखिए सामाजिक व्यवस्था कमजोर पड़ी पुनर्जागरण के कारण, साथ ही जब लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ तो इस कारण से यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्रों का उदय हुआ, सबसे बड़ा प्रभाव। दूसरा कि बौद्धिक वर्ग ने राजनीति में पोप के हस्तक्षेप की आलोचना की एवं कहा कि पोप का काम केवल राजनीति और केवल धार्मिक मामलों को देखना है, न कि राजनीति में हस्तक्षेप करना। और पुनर्जागरण के कारण ही देखिए यूरोप में भौगोलिक खोजें हुई, क्योंकि व्यक्तिगत योग्यता एवं पुरुषार्थ पर बल दिया जाने लगा, इसलिए लोगों ने भौगोलिक खोजें की। और इसी क्रम में 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्पु डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणी तट पर पहुंच गया वह नाव से, और उस अफ्रीका के दक्षिणी तट का नाम दिया केप ऑफ गुड होप। और इसी केप ऑफ गुड होप के रास्ते से ही 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत के केरल तट पर आया, और 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो भौगोलिक खोजें भी हुई, यह भी एक प्रभाव पड़ा। छठा देखिए कला के क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कला के क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा कि
पुनर्जागरण ने कला को धर्म की जंजीरों से मुक्त किया तथा उसमें मौलिकता एवं सजीवता का समावेश किया, और पुनर्जागरण के कारण अब कला का उद्देश्य हो गया मानव जीवन एवं प्रकृति के बीच सहसंबंध को स्थापित करना, मानव जीवन एवं प्रकृति के बीच सहसंबंध को स्थापित करना एवं उसे चित्रित करना ही कला का उद्देश्य हो गया पुनर्जागरण के कारण। और इसमें देखिए चित्रकला पर क्या प्रभाव पड़ा, तो चित्रकला पर भी अनेक प्रभाव पड़ा। और तीन महत्वपूर्ण इस समय के बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार थे, जैसे कि लियोनार्डो द विंची। लियोनार्डो द विंची, इनका देखिए दो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध चित्र है, द लास्ट सपर, द लास्ट सपर और मोनालिसा। तो मोनालिसा एक देखिए साधारण महिला की असाधारण मुस्कान है मोनालिसा की। और दूसरा महत्वपूर्ण चित्र है इनका द लास्ट सपर, इसमें इन्होंने ईसा मसीह के मृत्यु के अंतिम समय का एक भोज दिया गया है, उसमें ईसा मसीह भी उपस्थित हैं और साथ ही उनके अनुयायी दोस्त भी वहाँ पे उपस्थित हैं। ईसा मसीह के चेहरा एकदम से शांत है, किंतु उनके जो अनुयायी या उनके सगे संबंधी हैं उनके चेहरों पर अनेक तरह के भाव प्रकट हुए हैं। तो यह चित्र बहुत ही लोकप्रिय है। इसी समय के दूसरे चित्रकार थे महत्वपूर्ण माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो ने द लास्ट जजमेंट की चित्रकारी की थी, इनका प्रसिद्ध चित्र है। और राफेल तीसरे महत्वपूर्ण चित्रकार हैं, और इन्होंने ईसा मसीह की माँ मेडोना का चित्र बनाया था जो कि विश्व प्रसिद्ध है। मूर्तिकला के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, तो मूर्तिकला के क्षेत्र में भी अनेक प्रभाव पड़ा पुनर्जागरण के कारण। और इस समय के महत्वपूर्ण मूर्तिकार थे लोरेंजो गिबेटी, लोरेंजो गिबेटी। इन्होंने देखिए फ्लोरेंस के चर्च के दरवाजे का निर्माण किया, और इसके संबंध में यह कहा जाता है कि ये दरवाजे स्वर्ग में लगाए जाने के योग्य हैं। दोनातेल्लो दूसरे महत्वपूर्ण चित्रकार थे, और इन्होंने वेनिस के संत मार्क की मूर्ति बनाई। और माइकल एंजेलो, देखिए माइकल एंजेलो चित्रकार भी हैं और मूर्तिकार भी हैं, और इन्होंने पियथा एवं डेविड की मूर्ति बनाई जो विश्व प्रसिद्ध है। पुनर्जागरण का देखिए स्थापत्य के क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ा, तो यूनानी रोमन और अरबी शैलियों के मिश्रण से एक नवीन शैली का जन्म हुआ, जिसमें डिजाइन एवं सजावट को विशेष महत्व दिया गया तथा गोल मेहराबों का प्रयोग किया गया। इस नवीन शैली के प्रवर्तक थे ब्रूनेलेस्की, जी। और देखिए सातवां क्षेत्र संगीत, तो संगीत में देखिए तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए कि ओपेरा कला का डेवलपमेंट विकास इसी समय हुआ, वायलिन का प्रयोग इसी समय शुरू हो गया, और चर्च में संगीत का प्रयोग भी इसी समय हो गया। तो देखिए पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा, तो देखिए सात क्षेत्रों में 14 महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इन 14 महत्वपूर्ण को अगर एग्जाम में लिख देंगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।